तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास हमने 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, मतलब उसको मज़ीद उसमें 2 पार्ट्स और ऐड कर दिया, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 मतलब अगर हम 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3, 3 2s are 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी भी आपने इसी तरह फ्रैक्शन राइट कर लेनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, राइट 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स हमने आप 2 2 फ्रैक्शंस बनानी है, ठीक है। हमने कोई भी आप किसी भी नंबर से बना सकते हैं, और लेकिन हमारे पास जो मतलब हमारे पास जो मेथड होगा वो क्या है, जो हमने पीछे भी रीड किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/2 को न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इसी तरह 3 1s are 3, 3 2s are 6। हम भी इसी तरह 2 2s are 4, ठीक है, 7 2s are 14। 3 के साथ मज़ीद हम 2/7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3s are 6, 7 3s are 21। तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। इसी तरह 3 2s are 6, 7 2s are 14, ठीक है, 3 3s are 9, 7 3s are 21। तो रिमेनिंग क्वेश्चन 4 5 6 आपने खुद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग पार्ट ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने मिसिंग पार्ट यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास टोटल 1 to 15 क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/7, तो स्टूडेंट्स 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया कि 20 आया, तो जाहिर सी बात है हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और हमारे बॉक्सेस में हमने आंसर राइट करना है, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई अगर हम करें, 5 5 5 5 5 25, इससे मतलब लेस होगा, 5 4 25, तो हम 7 के साथ 4 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28, ठीक है। मतलब हमने अब हमारे पास ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया कि उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20 बन गई, ठीक है, उसका न्यूमरेटर इक्विवेलेंट न्यूमरेटर 20 बन गया। तो हमने 7 को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करना ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 5 4 20, 7 4 28। इसी तरह 6 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, जो हमारे पास मौजूद होता है पहले हम उसका फाइंड करते हैं। जैसे 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा ना, इसी तरह डिनोमिनेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2s are 24, 8 8s are 64, तो 9 8s are 63, ठीक है, 9 8s are 72, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमारे पास डिनोमिनेटर मौजूद है, मतलब 4 4s are 16, मतलब 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, तो हम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s are 12, तो 12/16 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए 3/4 की। तो फ्रेंड्स इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चन 5 to 15 आपने खुद सॉल्व करना है बुक पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।